हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं lalantop.com। उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद का एक मदरसा। दिल्ली से अगवा की गई एक 10 साल की लड़की को 2 दिनों तक यहां रखा गया और उसके साथ बलात्कार किया गया। ये केस अब सांप्रदायिक एंगल ले चुका है। लोग इसे हिंदू बनाम मुसलमान का मामला बना रहे हैं। कुछ लोग इसे सोशल मीडिया पर कठुआ रेप केस के काउंटर के तौर पर भी पेश कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इस मामले में विक्टिम हिंदू है और आरोपी रेपिस्ट एक मुसलमान इंसान है और उसने मदरसे के अंदर बच्ची के साथ बलात्कार किया था। तो हम इस वीडियो में आपको इस केस की वेरीफाइड डिटेल्स बताएंगे ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना सकें यदि उसकी ज़रूरत हो तो। ईस्ट दिल्ली के गाज़ीपुर की 10 बरस की लड़की 21 अप्रैल को अपने घर से निकली थी, फिर वापस नहीं लौटी। परिवार वालों ने इसके बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने उस इलाके में तफ्तीश की, वहाँ के जो CCTV कैमरे थे उनको खंगाला। एक कैमरे में लड़की नज़र आई और यह दिखा कि एक लड़का उसे ऑटो में बिठाकर कहीं ले जा रहा है। पुलिस ने और आगे तफ्तीश की मगर आगे कुछ क्लू उनके हाथ लग नहीं रहा था, तो 2 दिन इसी बात में निकल गए। फिर ही मालूम चला कि लड़की के पास एक मोबाइल फ़ोन था जो उसके गायब होने के बाद से ही स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने इस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई और उस फ़ोन से जिन नंबरों पर फ़ोन किया गया था उनकी जाँच की। एक लड़के का नाम सामने आया, उसकी तफ्तीश की तो साहिबाबाद के अर्थला इलाके का नाम पुलिस के रडार पर आ गया। उत्तर प्रदेश का साहिबाबाद दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद ली। इस इलाके की तलाशी हुई और तलाशी में मदरसे के अंदर से वो 10 साल की बच्ची बरामद की गई। उसके साथ बलात्कार किया गया था। पुलिस ने 17 साल के एक लड़के को रेप का आरोपी बताया। वो इसी मदरसे में पढ़ता था। चूंकि आरोपी नाबालिग था, उसे जुवेनाइल होम भेज दिया गया। पहले इस केस में किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन बाद में जब रेप की पुष्टि हुई तो इसमें पॉक्सा की धाराएँ लगा दी गई। इस बात की भी जाँच हो रही है कि जो आरोपी है वो नाबालिग है भी या नहीं। ये केस अब दिल्ली क्राइम ब्रांच के पास है। विक्टिम का परिवार पहले गाज़ियाबाद में ही रहता था और आरोपी जो था वो इनका पड़ोसी था। हाल ही में विक्टिम का परिवार गाज़ीपुर शिफ्ट हुआ था और वहीं से ये लड़की अबडक्ट हुई थी। अब हम इस केस के उस एंगल की बात करेंगे जिससे ये केस और कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। 21 अप्रैल को विक्टिम अगवा हुई थी और 23 अप्रैल को वो मिल गई। मेडिकल जाँच में रेप की बात कन्फर्म हुई और 23 अप्रैल को ही मजिस्ट्रेट के आगे उसका बयान रिकॉर्ड हो गया, जो कि धारा 164 के तहत होता है और कोर्ट में एडमिसिबल होता है। इस बयान के मुताबिक आरोपी विक्टिम को अपने दोस्तों से मिलवाने के बहाने मदरसे लेकर गया था और वहां उसका रेप हुआ और फिर उसे बंधक बनाकर वहीं रखा गया। लड़की के परिवार वाले मदरसे के मौलवी पर भी शक जता रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस उस नाबालिग को पकड़कर मामला दबाने की कोशिश कर रही है। उन्हें शक है कि इस मामले में और भी लोग शामिल थे, कम से कम 3-4 लोगों की संख्या वो बता रहे हैं। लड़की का परिवार मौलवी को अरेस्ट करने की मांग कर रहा है। अब इस मामले में हम पुलिस का पक्ष जान लेते हैं। पुलिस ने मौलवी से कई बार पूछताछ की, लेकिन उन्हें अब तक इस बात का सबूत नहीं मिला है कि इस रेप में या फिर लड़की को बंधक बना के रखने में या फिर उसके अबडक्शन में मौलवी का हाथ था या नहीं। पुलिस ने अभी मौलवी को क्लीन चिट नहीं दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक विक्टिम ने जब मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवाया था तो उसमें मौलवी का नाम नहीं लिया गया था। ये मामला सोशल मीडिया पर भी काफ़ी उछल रहा है। चूँकि रेप करने वाला मुसलमान है और बलात्कार मदरसे के अंदर हुआ था, इसीलिए लोग इसे सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक धड़ा इस केस को कठुआ केस से जोड़ रहा है। कठुआ केस इसका ठीक उल्टा था। जिस बच्ची के साथ रेप और मर्डर हुआ था वो मुसलमान थी और आरोपी हिंदू थे और बलात्कार मंदिर के अंदर हुआ था। एक मासूम बच्ची के रेप और मर्डर में धर्म का एंगल ढूंढना और फिर इस रेप की काट एक दूसरे रेप केस में ढूंढना एक विकृत मानसिकता का परिचायक है। आप सबको इस चीज़ से बचना चाहिए। बावजूद इसके यदि आपकी राय पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम इस वीडियो में आपको अलग से बता दें। तो ठीक है, फिर सीधे क्लोजिंग पे आते हैं और हमारी क्लोजिंग वही है जो स्टैंडर्ड रहती है। अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और अगर इस वीडियो का यूट्यूब कट आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।